सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है और एक इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियो पे। तो आज हम फिर से करने वाले हैं कुछ मीथ को बास्टेड और कंफर्म। तो पहला मीथ है, हेलीकॉप्टर और प्लेजर में एक साथ बैठने के बाद प्लेजर से उतरकर कोई भी बाइक को गिराकर स्काईफॉल लगाओ और मैजिक देखो। तो पहले हमें हेलीकॉप्टर को स्पॉन करना पड़ेगा और हेलीकॉप्टर का चीट कोड है 8000। चलो आगे, अब थोड़ा सा दूर जाके 0000 डायल करके प्लेजर को स्पॉन कर लेते हैं। चलो प्लेजर भी स्पॉन हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों पे एक साथ बैठना है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर को क्या हो गया भाई? चलो बैठ गया। अभी हमें इससे उतरकर कोई सा भी बाइक स्पॉन कर लेना है। चलो थोड़ा आगे जाके करते हैं। तो कोई सा भी बाइक आप स्पॉन कर सकते हो। मैंने KTM को स्पॉन कर लिया, अभी हमें इसको गिराना है। अरे गिर जा भाई। चलो गिर गया। अभी इसके ऊपर खड़ा होकर स्काईफॉल लगाना है, लेकिन स्काईफॉल से पहले इन्फिनिटी हेल्थ लगा लेना, नहीं तो ऊपर से गिर के मर जाओगे भाई, मिथ होने से पहले ही मर जाओगे। तो 9129 डाल करके इन्फिनिटी हेल्थ लगा लिया। अभी हमें क्या करना है, स्काईफॉल ऑन करना है और स्काईफॉल का चीट कोड है 1120। और हाँ, स्काईफॉल और बाइक पे बैठने का बटन को एक साथ दबाना है, मतलब आप जब स्काईफॉल डायल करोगे तभी आपको बाइक पे बैठने का ऑप्शन पे दबाना है, ठीक है? देखो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मुझे लगता है हम रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। लेकिन इसको मैंने पहले बनाया था, ठीक है? अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो। देखो ये तो मेरा डाउट है, लेकिन देख लेते हैं। चलो अरे ये तो बाइक हिल रहा है भाई, रिमोट कंट्रोल बाइक हो चुका है, हेलीकॉप्टर भी चल रही है, मतलब दोनों ही चल रही है। पहले हेलीकॉप्टर में बैठा था ना, तो इसीलिए शायद हेलीकॉप्टर भी चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमारा बाइक तो अच्छी तरीके से चल रहा है। देखो हमने रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर बनाया, टैंक बनाया, अब बाइक भी बना चुके हैं। और देखो भाई कितना मजे से चल रही है। देखो पीछे दबाओ तो पीछे आ रही है, आगे दबाओ तो आगे जा रही है, मतलब एक रिमोट कंट्रोल कार भाई। तो ये मीथ होता है कंफर्म। दूसरा मीथ है, साइकिल को पीछे ले जाओ और पेडल को देखो। तो 1111 डायल करके साइकिल को स्पॉन कर लिया। अभी इसको पीछे ले जाना है। अरे भाई कितना स्पीड चला रहा है, देखो भाई साहब कितना स्पीड चला रहा है ये। अरे भाई पैर वेर टूट जाएगा, धीरे से चला। अभी पैर आगे घूम रहा है या पीछे घूम रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई, कितना स्पीड चला रहा है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई, पक्का इसका पैर टूटा हुआ है, नहीं तो भाई इतना स्पीड कौन चलाता है भाई, मतलब आगे जाने भी इतना स्पीड कोई नहीं चलाता है ये जितना पीछे चला रहा है। अच्छा है भाई, तो ये मीथ भी होता है कन्फर्म। तीसरा मीथ है, जोम्बी का चीट कोड लगाकर रोल्स रॉयस को स्पॉन करोगे और उसमें बैठोगे तो वो घोस्ट राइडर बाइक की तरह प्रोटेक्शन देगी। क्या बात कर रहे हैं? तो पहले जोम्बी को स्पॉन करना पड़ेगा और जोम्बी का चीट कोड है 20। नहीं भाई जोम्बी को स्पॉन नहीं करेंगे, नहीं तो भाई वो लोग आकर मेरा बैंड बजा देंगे। पहले रोल्स रॉयस को स्पॉन करेंगे और रोल्स रॉयस का चीट कोड है 2000 और 2030 डायल करके जोम्बी को भी स्पॉन कर लिया। अरे जल्दी से बैठना पड़ेगा, नहीं तो भाई कहाँ से आके मार देंगे। आ रहा है भाई, एक आ रहा है, ये भाग के आ रहा है और ये धक्का लगा मर गया, मतलब अपने आप ही मर गया, ये भी अपने आप ही मर गया, मतलब घोस्ट राइडर बाइक में जैसा होता है ना। लेकिन घोस्ट राइडर बाइक में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं भाई, जोम्बी जल्दी जाते हैं। ये भी गिर गया और ये भी गिर गया। नहीं भाई ये आके मेरा रोल्स रॉयस के ऊपर सो गया भाई। अरे उठ जा भाई, अरे उस साइड पे कोई हिल रहा है, वो ये हिल रहा था और यार अरे भाई ये जंप मार दिया, मतलब कार के ऊपर जंप मार दिया भाई, देखना। नहीं नहीं ये तो भाई गिर गया। तो ये मीथ होता है कन्फर्म। चार नंबर मीथ है, 700 वाली लंबरगिनी बहुत ज़्यादा लंबा टावर बन जाती है। इससे पहले मैंने थार का बनाया था लेकिन वो साथ पे ही अटक गया था, मतलब साथ पे ही गिर गया था। इसको देख लेते ये कितना दूर जाता है। अरे भाई 700 डायल करना था और मैं 7000 डायल कर लिया। अरे बार बार क्यों 7000 हो जा रहे, 700 करना है। तो भाई एक मैंने कर लिया, अभी दूसरी वाली कर लिया और ये तीन नंबर है, ये चार नंबर लंबरगिनी, ये पांच नंबर, पांच पे ठीक है भाई, थार तो पांच पे हिल रहा था, ये छह नंबर, ये सात नंबर, ये आठ नंबर, ये नौ नंबर, भाई नौ तक चला गया भाई, वो तो सात पे ही गिर गया था, अभी भी ये स्टील है नहीं हिल रहा है, ये दस नंबर और ये ग्यारह नंबर, ये बारह नंबर, अभी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और ये तेरह नंबर। अरे तेरह नंबर पे रुक जा भाई, और नहीं करूँगा भाई, अभी ये हिल रहा है भाई, कितना लंबा हो गया
मैं तो सर उठा के देख ही नहीं पा रहा हूँ, अभी हिल रहा है और ये शायद गिर जाएगा। हाँ भाई गया गया, लेकिन भाई बहुत ऊंचा टावर बना था। देखो थार लंबा था, फिर भी वो 7 पे अटक गया था, लेकिन ये भाई 13 तक चला गया, तो ये मिथ होता है कन्फर्म। 5 नंबर मिथ है, प्लेन स्पॉन करो, फिर प्लेन के ऊपर साइकिल को स्पॉन करो, उसके बाद प्लेन में बैठो और मैजिक देखो। 555 डायल करके प्लेन को स्पॉन कर लिया, अब धीरे से इसके ऊपर साइकिल को स्पॉन करना पड़ेगा। अरे ये तो आगे जा रहा है। भाई मैं तो बाहर हूँ, कौन चला रहा है? अरे रुक जा। चलो रुक गया, हाँ रुक गया भाई, अभी तो ये अपने आप ही उड़ जाता, गुदगुद लग गया क्या? चलो साइकिल भी सेफली स्पॉन कर लिया, अभी इस पे बैठना है। अरे ये कौन सा जगह पे आ गया भाई? इन्फिनिटी फॉल पे चलाया। देखो भाई हम अभी जहाँ पे है ना, ना हम नीचे जा सकते मतलब जमीन पे जा सकते, ना हम आसमान में जा सकते, हम अभी हवा में है, मतलब कहाँ पे हूँ मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इतना पता है भाई हम इन्फिनिटी फॉल में चले गए, तो ये मिथ होता है कन्फर्म। ऐसे और मिथ बास्टर्ड की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको अगर कुछ मिथ के बारे में पता है तो कमेंट करके बताओ।